सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लैक क्लोवर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम सभी ब्लैक बुल्स मेंबर्स एंड उनके मैजिक की बात करेंगे। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, मैंने किसी को भी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रैंक नहीं करा, तो सब रैंडम ही है। तो कमेंट में बस अपने फेवरेट कैरेक्टर ही बताना, ये मत कहना कि इसे नंबर 1 पर होना चाहिए था या इसे नंबर 10 पर। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस बाकी स्क्वाड्स पर भी चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। जिस स्क्वाड को लेकर ज्यादा कमेंट आएंगे उसी पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो अपनी फेवरेट स्क्वाड कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आज के वीडियो में हम एम रखते हैं 420 लाइक्स के लिए। आई होप तुम इसे भी कम्प्लीट कर दोगे बाकी वीडियोस की तरह। और हाँ, वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना ताकि चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो सके। हमें इस साल के एंड तक इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप में से अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर लो, ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। सो अब ज्यादा लाइक और शेयर की भीख ना मांगते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हम शुरुआत करते हैं फिनरल से। फिनरल ब्लैक बुल्स का ठरकी मेंबर है जो आपको हमेशा लड़कियों की बातें करते ही दिखेगा। अगर कहीं लड़की हो और फिनरल गायब हो तो समझ लो ये उन लड़कियों के पास ही होगा। यह ब्लैक बुल्स का सबसे डरपोक मेंबर भी है, पर अपनी स्क्वाड की मदद के लिए ये हमेशा आगे रहता है। फिनरल का मैजिक है स्पेशल मैजिक। अब वैसे तो इस मैजिक से ये कहीं भी जा सकता है, हालांकि सिर्फ उन्हीं जगह पर जहां ये पहले विजिट कर चुका है, पर इस मैजिक का ज्यादातर यूज बस यामी के लिए ही होता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये यामी का असिस्टेंट है जिसे यामी का हर काम करना पड़ता है। यामी के लिए टॉयलेट पेपर तक इसे ही लाना पड़ता है, समझ रहे हो ना बेचारे की हालत। वेल, स्पेशल मैजिक सिर्फ अब ट्रैवलिंग के लिए ही नहीं रह गया, अब फिनरल इसका यूज अटैक के लिए भी कर सकता है और धीरे धीरे अब ये इसमें परफेक्ट बन रहा है। अब बात करते हैं वेनेसा की, जो कि एक विच है। वेनेसा ब्लैक बुल्स की शराबी नंबर 1 है और हमेशा आपको ज्यादातर नशे में ही दिखती है, बेवड़ी कहीं की, लेकिन इसका पास्ट भी उतना ही फेड है। वेनेसा को विच क्वीन ने कई सालों तक कैद करके रखा और विच फॉरेस्ट से बाहर नहीं जाने दिया, अंटिल यामी गलती से विच फॉरेस्ट से इसे छुड़ा कर लाया। वेनेसा का मैजिक थ्रेड मैजिक है और ये थ्रेड कंट्रोल करने में काफी माहिर है, लेकिन इसकी रियल पावर सिर्फ यही एंड नहीं होती, बल्कि ये रियलिटी चेंज करने की पावर रखती है। इसके पास एक ऐसी स्पेल है जिससे थ्रेड के जरिए एक रेड कैट क्रिएट होती है जो फेट चेंज कर सकती है, हर उस पर्सन की फेट जिसे ये छू ले। और यही रीजन था कि विच क्वीन ने इसे कहीं भी जाने नहीं दिया था, और इसी फेट चेंजिंग पावर से वेनेसा ने आफ्ता के हाथों से अपने ब्लैक बुल्स मेंबर को बचाया था। कई बार इसने आफ्ता की भी जान बचाई है। ऐसे मैजिक नाइट भी ये काफी स्ट्रॉन्ग है और दांते ने इसके मैजिक को एक आर्कनिस्टेड मैजिक कहा था, तो इसमें कुछ बात तो होगी। हालांकि अब तक हमने इसे बस सपोर्टर के तौर पर ही फाइट करते देखा है, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल देखना भी बाकी है। अब नेक्स्ट है गॉज सिस्कॉन। इसके लिए लाइफ मीन्स ओनली मारी। इसके पास्ट का फिलहाल कुछ नहीं पता, पर एनिमे एंड मांगा में कहा गया था कि ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है जो कि अब शायद रॉयल नहीं रहे, पर अब तक इसकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। गोचे बस जीता अपनी छोटी बहन के लिए और ये इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर कोई मारी को हर्ट करे तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ता। गोचे का मैजिक है मिरर मैजिक, जो भले ही दिखने में पावरफुल ना लगे पर असल में ये काफी पावरफुल मैजिक है और बहुत सी स्पेल को अपने मैजिक से रिफ्लेक्ट कर सकता है। और लाइट मैजिक इसके लिए परफेक्ट अपोनेंट है। लाइट हमेशा मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और इसके खिलाफ ये स्ट्रॉन्ग है। हमने एनिमे में भी देखा है कि कैसे ये अपने मैजिक से यामी आफ्ता और फिनरल को बचाता है पेट्रिक के लाइट अटैक से। करंटली हमें मांगा में जल्दी फाइट करते दिखेगा। सो अब नेक्स्ट है ग्रे, जिसे हम सभी ने शुरुआत में इसके अपीयरेंस के कारण लड़का समझा था और ऐसा लगा था कि ये ब्लैक बुल्स का नालायक मेंबर है जो कुछ नहीं करता, बस मोटा शरीर लेकर बैठा रहता है। पर फिर पता चला कि ये तो भाई कवाई ओन्ना, आई मीन क्यूट लड़की है जो बहुत शर्माती है, जिसे लोगों से बात करने में दिक्कत आती है। पर हाल ही में हमें एनिमे में इसका छोटा सा पास्ट दिखाया गया जहां हम देखते हैं कि ग्रे की फैमिली में इसकी दो स्टेप सिस्टर्स होती हैं, जो खुद को हुस्न की परी मलिकाए आलम समझती हैं और घर का सारा काम बेचारी ग्रे से करवाती थी। जब ग्रे को अपनी ग्रिमर मिलती है तो वो अपने मैजिक से अपनी बहनों जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये सोचकर कि वो दोनों ग्रे को अपना लेंगी, पर उसका उल्टा होता है और दोनों बहन ग्रे के पीछे पड़ जाती हैं। ग्रे जान बचाकर भागती है पर जंगल में उसे कुछ शराबी घेर लेते हैं और वहाँ गोचे ग्रे को बचाता है और तब से ये गोचे को पसंद करने लगी। ग्रे का मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है, पर हाल ही में ऐसा बताया गया है कि ये इसके मैजिक की रियल प्रॉपर्टीज नहीं है। इसका मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से बढ़कर है एंड अकॉर्डिंग टू डांते ये भी एक आर्कन स्टेज मैच है। नेक्स्ट है मागना। यह ब्लैक बुल्स का वो मेंबर है जिसे देखकर पुराने एनिमेस के बाइक चोर गैंग का मेंबर याद आ जाए। इसका लुक ही डरावना बनाया गया है, पर ये दिल का बड़ा अच्छा है, अपने स्क्वाड मेंबर्स का ख्याल रखता है और मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वैसे इसका मूड और एटीट्यूड इसके मैजिक टाइप से मिलता है जो कि है फायर। फायर मैजिक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक में से एक है, पर मागना इतना स्ट्रॉन्ग फायर यूजर नहीं है। ये शायद ब्लैक बुल्स का वो मेंबर है जिसे स्क्रीन टाइम तो मिलता है पर ज्यादा पावर अप नहीं।
और इस रीजन से ये अपने राइवल लक वोल्टेयर से पीछे रह जाता है। पर ये बात मांगना भी बखूबी जानता है और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा कड़ी ट्रेनिंग करता है और इसीलिए मुझे इसका कैरेक्टर काफी पसंद है। तो नेक्स्ट है मांगना का राइवल लक वोल्टेयर। ये ब्लैक बुल्स का सबसे एनर्जेटिक बंदा है जिसने शायद बचपन में पोलियो की ज्यादा बूंदे पी ली थी और शायद रोजाना 10 से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लड़ने के लिए हमेशा किसी भी जगह तैयार ही रहता है, चाहे अपोनेंट कोई भी हो, चाहे उसके सामने इसके टिकने की कोई औकात हो या ना हो, लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार रहता है। रही बात इसके मैजिक की, तो ये लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और ये ब्लैक बुल्स का आई थिंक थर्ड फास्टेस्ट मेंबर होगा। लक ने हर फाइट में साबित किया है कि ये किसी से कम नहीं है और जरूरत पड़ने पर किसी की भी बैंड बजा सकता है। फिलहाल मांगा में इसने ऐसा काम किया है जो फिलहाल ब्लैक बुल्स के कुछ ही मेंबर्स कर पाए हैं। इसने एक डेविल को डिफीट किया है और वो भी कोई लो रैंक डेविल नहीं बल्कि मिड रैंक डेविल को, और वो भी बस एक ही अटैक में। अब ऐसा फीट इससे पहले बस आस्था एंड जामी ने ही अचीव किया है। मैं मांगा में इसकी और पावर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। अब नेक्स्ट है गॉर्डन। यह ब्लैक बुल्स का फ्लॉप हॉक है। दिखने में बहुत सबको इसका लुक क्रीपी लग सकता है पर ये दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। ये बहुत ही धीरे बोलता है इसलिए ज्यादातर सब इसे इग्नोर ही करते हैं, पर इसका मैजिक इग्नोर करने लायक नहीं है। ये यूज करता है पॉइजन मैजिक का। भले ही अब तक इसे लड़ने और अपने मैजिक का कमाल दिखाने का टाइम नहीं मिला, पर यह मैजिक काफी पावरफुल है। इसके अलावा यह एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कर्सेस के बारे में काफी कुछ जानते हैं। गॉर्डन को भी कर्सेस का काफी अच्छा नॉलेज है और यह ब्लैक बुल्स के स्मार्टेस्ट मेंबर में से एक है। अब नेक्स्ट हैनरी। यह ब्लैक बुल्स का लॉनली बॉय है, मतलब था, क्योंकि इसका शरीर ही कुछ ऐसा था। अगर कोई पर्सन इसके पास जाए जिसके पास माना हो, तो हैनरी का शरीर उस पर्सन का माना अब्सॉर्ब कर लेता था और इसीलिए यह सबसे अकेला रहता था। इवन आस्था और यामी के अलावा बाकी मेंबर्स को तो हैनरी के बारे में पता तक नहीं था। ब्लैक बुल्स का जो हाइडआउट है वो भी असल में हैनरी का ही है। ये यूज करता है रिकॉम्बिनेशन मैजिक का। इसके यूज से ये ऑब्जेक्ट को जैसे चाहे उस तरह अरेंज कर सकता है और ऐसे वेपन यूज कर सकता है। वैसे हमने ज्यादातर इसे ब्लैक बुल्स का हाइडआउट को ही कंबाइन करते देखा है और देखा है कि कैसे इसका मैजिक स्ट्रेंथ के मामले में बहुत सबको पीछे छोड़ सकता है। सो अब नेक्स्ट है जोरा आइडल। यह ब्लैक बुल्स का ठग है, वही ठग लाइफ वाला बंदा। यह बैडएस है, किसी की परवाह नहीं करता और इंटेलिजेंट भी है। पर सबसे ऊपर इसके पास है कमाल का मैजिक। इसका मैजिक है ट्रैप मैजिक। ये कहीं पर भी ट्रैप्स क्रिएट कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये किसी के मैजिक को अपने मैजिक से रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और इसके ट्रैप मैजिक्स को ढूंढना भी काफी मुश्किल है। एज अ मैजिक नाइट ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ब्लैक बुल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है। नेक्स्ट है चार्मी। खैर जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम नहीं है। इसका कोई काम तुम्हें चार्मिंग नहीं लगेगा। यह ब्लैक बुल्स की भुक्कड़ है जिसे खाना जितना भी दे दो कम ही होगा। चार्मी सबसे आलसी मेंबर है और हमेशा ये तो कहीं ना कहीं पर खाते ही या सोते हुए ही मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीक है, ना, इसके पिद्ध शरीर पर मत जाना, क्योंकि ये जब गुस्से में होती है तब ये और इसका मैजिक दोनों खतरनाक होते हैं। चार्मी के पास दो मैजिक है और ब्लैक बुल्स की ये एक लौती मेंबर है जिसके पास दो मैजिक्स हैं। अब बात मैजिक्स की आई गई है तो चलो इसके दोनों मैजिक्स के बारे में बता दूं। तो पहला है नॉर्मल कॉटन मैजिक जो हमने ज्यादातर इसे यूज करते देखा है, और दूसरा है फूड मैजिक। और ये मैजिक चार्मी तब यूज करती है जब ये बहुत गुस्से में हो और अपने चीबी अवतार को छोड़कर एडल्ट फॉर्म में आती हो। इसका फूड मैजिक काफी पावरफुल है। इस मैजिक से इसने एल्फ पोसेस्ड रील को हराया था, एक कैप्टन लेवल के मैजिक नाइट को हराया था। खैर इसकी इतनी पावर क्या राज है इसका हाइब्रिड होना। ये एक ह्यूमन और ड्वार्फ की बेटी है और आप जानती हो कि हाइब्रिड्स कितने स्ट्रांग होते हैं, चाहे हम बाकी हाइब्रिड एनिमे कैरेक्टर्स को क्यों ना ले लें। अब नेक्स्ट है हमारी कवाई नेरो, एके सेक्रेड स्वेलोटेल। नेरो करेंटली ब्लैक क्लोवर की सबसे ज्यादा एज वाली ह्यूमन होगी जिसका रीजन है फॉरबिडन मैजिक। इसने फॉरबिडन मैजिक का यूज किया जिसके कारण ये 500 सालों तक एक बर्ड के रूप में ही जी रही थी, पर अब ये ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। नेरो एक आर्कन स्टेज मेज है जो यूज करती है फीलिंग मैजिक का और ये मैजिक से लेकर पेन और जख्म तक फील कर सकती है और इसीलिए इसका मैजिक आर्कन स्टेज का है। और नेरो का यही मैजिक मैजिकुला को हराने की थी, पर प्लान फेल हो गया। फिलहाल ये बाकी मैजिक नाइट्स के साथ डेविल से लड़ रही है और मैं एक्साइटेड हूँ इसकी ग्रोथ देखने के लिए कि आखिर अब ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पहले के मुकाबले। सो नेक्स्ट है हमारी नोयले। नोयले एक रॉयल है एंड एज अ रॉयल इसके पास बहुत माना है और साथ ही एटीट्यूड भी। नोयले का मैजिक है वाटर मैजिक जिसे शुरुआत में इसे कंट्रोल करना नहीं आता था, पर समय के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट्स आए और अब ये ब्लैक बुल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है। इसके दो फॉर्म्स भी हैं जो इसके मैजिक और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। पहला है वल्कायरी फॉर्म जिसमें इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मैजिक पावर भी। सेकंड है मरमेड फॉर्म जिसमें नोयले की स्पीड पहले से दुगनी हो जाती है और स्ट्रेंथ वल्कायरी फॉर्म में जितनी ही रहती है। फिलहाल ये भी स्पेयर किंगडम में है और वानिका के साथ हिसाब बराबर करने के लिए बेताब है। सो अब अगला हमारा आस्था। आस्था ब्लैक बुल्स का सबसे डंबेस्ट पर मेहनती लोंडा है। आस्था के पास है अपना डेविल लीबे का एंटी मैजिक जिसमें काबिलियत है किसी भी मैजिक को इरेज करने की, चाहे अपोनेंट का मैजिक कितना भी स्ट्रॉन्ग हो ये उसे इरेज कर सकता है। एंड आफ्टर स्वॉर्डमैनशिप में भी काफी माहिर है और फिजिकली ये ब्लैक बुल्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है
और करेंटली मांगा में ब्लैक बुल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। आफ्टर डेविल यूनियन का भी यूज कर सकता है और डेविल यूनियन के साथ यह पूरे ब्लैक क्लोवर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बन चुका है। फिलहाल मांगा में ये ट्विन डेविल के न्यू फ्यूजन से लड़ रहा है एंड उन पर भारी भी पड़ रहा है, जबकि ट्विन डेविल तो हाई रैंक डेविल है और फ्यूज होने के बाद वो पहले से भी दुगने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और ऐसे से आस्था अकेला लड़ रहा है। इससे पता चलता है कि ये पहले से अब कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर आस्था की यहाँ एक वीकनेस या कहीं वीक पॉइंट है। आस्था अपने डेविल यूनियन को सिर्फ 5 मिनट तक ही मेंटेन कर सकता है एंड उसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, पर शायद फ्यूचर में हमें ये और देर तक इसका इस्तेमाल करते हुए दिखे, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अब नेक्स्ट है ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन नाश। ये एनिमे मांगा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ न्यू कैरेक्टर है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें नाश्ट से रिलेटेड सारी जानकारी है, पास्ट, ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटी सब कुछ। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो ऊपर फ्लैश हो रहे कार्ड पर क्लिक करें और वीडियो देख लीजिए। तो अब फाइनली बात करते हैं ब्लैक बुल्स के फाउंडर क्रिएटर कैप्टन यामी सुकुहिरो की। यामी ब्लैक बुल्स का गुंडा है, जो इसकी बात ना माने उसकी खैर नहीं। यामी ब्लैक क्लोर के बैडेस्ट कैरेक्टर्स में से भी एक है एंड फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे ब्लैक क्लोर में। और रही बात इसके मैजिक की, तो इसके पास है डार्क मैजिक, जिसे एंटी मैजिक के बाद एक लौता ऐसा मैजिक कहा गया है जिससे डेविल को चोट लग सकती है और डेविल को मारा भी जा सकता है, क्योंकि यामी का डार्क मैजिक डायमेंशन तक को स्लैश कर सकता है और दो वर्ल्ड्स के बीच इंटरफेयर कर सकता है। एंड यामी हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसने हर फाइट में अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया है, सरपास किया है और न्यू पावर्स अचीव किए। करेंटली ये बंदी बना हुआ है, पर आई थिंक कि जल्दी हमें ये एक्शन में दिखेगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना अपने ओटाकू फ्रेंड्स के साथ या जिसे ब्लैक क्लोवर पसंद हो उसके साथ। इसके अलावा तुम में से कोई चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हेल्प करो हमारे इस चैनल पर जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर सेट करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर तुम में से कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर का यूज़ करता हो तो तुम लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक किया करो। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।